क्या सिजारो बनने वाले हैं चैंपियन और क्या होगा लैशली का, जानेंगे सब कुछ रेसलमेनिया बैकलैश 2021 की प्रेडिक्शन आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। वाज आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हम करने वाले हैं बैकलैश 2021 की लास्ट प्रिडिक्शन। तो रेसलमेनिया बैकलैश दोस्तों हमें कल देखने को मिलने वाला है। रेसलमेनिया बैकलैश की बात करूं तो गाइज इस बारी का रेसलमेनिया बैकलैश जो है वो स्टैक्ड है और इसके अंदर बहुत सारे मैचेस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। जहां टाइम एंड डेट की बात करूं तो गाइज डेट रहेगी कल की, यानी दोस्तों हमारे सोमवार की, यानी दोस्तों हमारे 17 मई की। और दोस्तों समय सारणी रहेगी सुबह 4:30 बजे से आपको देखने को मिलेगा सोनी नेटवर्क के चैनल के ऊपर। सबसे पहला मैच जो कि कार्ड में रखा गया है वो होने जा रहा है दोस्तों डेमियन प्रीस्ट और द मिज के मध्य। तो कोई आम मैच दोस्तों ये नहीं होने वाला है, ये होने वाला है एक लंबर्ड जैक मैच। अब लंबर्ड जैक मैच के बारे में दोस्तों हल्का सा डिटेल आपको दे देता हूं। दरअसल इस मैच के अंदर दो सुपरस्टारिंग के अंदर लड़ते हैं और बाकी के बहुत सारे सुपरस्टार जो कि रोस्टर के रहते हैं वो इर्द गिर्द रहते हैं, उनके पास पावर रहती है कि अगर कोई बाहर निकले तो वो उन्हें टच या फिर पीट सकते हैं। तो यहां दोस्तों जो द मिज है वो डेमियन प्रीस्ट को काफी समय से परेशान कर रहे हैं। डेमियन प्रीस्ट हर बारी जब भी उन्हें मारना चाहते भाग जाते हैं। ऐसे में डेमियन प्रीस्ट ने इस बीती रॉ के अंदर दोस्तों स्टिपुलेशन चूज की जिसके तहत दोस्तों यहां हमें यह मैच देखने को मिलने वाला है। बात करूं दोस्तों इस मैच के रिजल्ट की और ऑड्स की तो -800 के ऊपर दोस्त चले हैं, +300 के ऊपर द मिज। दैट मींस इसके अंदर जो डेमियन प्रीस्ट है वो विजय प्राप्त करेंगे और इस मैच के अंदर वही जीत अर्जित करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच आप लोगों को देखने को मिलने वाला है वो होने जा रहा है दोस्तों स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का। तो यहां दोस्तों जहां एक तरफ टीम है हमारे रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ ज़िगलर की जो कि हमारे चैंपियन है, उनके खिलाफ दोस्तों खड़े हो रहे हैं हमारे रे मिस्टेरियो एंड डोमिनिक मिस्टेरियो, बाप बेटे की जोड़ी। इनकी राइवलरी की बात करूं तो गाइस बीते 2 हफ्तों में हमने डॉल्फ ज़िगलर के 2 मैचेस देखे। पहले उन्होंने डोमिनिक मिस्टेरियो को फेस किया, रोल अप से हारे। दूसरा मैच दोस्तों इस हफ्ते हुआ जहां रे मिस्टेरियो से वो हार गए सेम तरीके से। अब यहां दोस्तों बात करूं मैच की, मैच के अंदर दोस्तों ऑड्स जो है वो चले हुए हैं दोस्तों डोमिनिक एंड रे के पक्ष में -300 के साथ वो लीड कर रहे हैं। वहीं रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ ज़िगलर चले हुए हैं +200 के साथ। दैट मीन्स यहां आपको एक ह्यूज टाइटल चेंज देखने को मिलेगा और डोमिनिक मिस्टेरियो एंड रे मिस्टेरियो यहां ब्रांड न्यू चैंपियन बनने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों कार्ड के तीसरे मैच के ऊपर। गाइस वो जो हमें लोगों को देखने को मिलने वाला है वो भी दोस्तों काफी ह्यूज मैच है और ये होने जा रहा है बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली के मध्य। अब इनकी राइवलरी की बात कर लूं तो गाइस इनकी राइवलरी अभी से कुछ हफ्ते पहले स्टार्ट होती है जहां दोस्तों स्मैकडाउन के एक एपिसोड में जो हमारी बेली है उन्होंने काफी कैजुअल वे में चैलेंज कर दिया बियांका ब्लेयर को, जहां दोस्तों साशा बैंक्स और डब्ल्यू वालों ने छुट्टी पर भेज दिया। वहीं दोस्तों बेली को अपॉर्चुनिटी मिल गई। बेली दोस्तों बीते 2 हफ्तों में अपर हैंड ले रखी है बियांका के ऊपर। बियांका दोस्तों ज्यादा स्ट्रांग इस मैच के अंदर हमें नहीं लग रही है, लेकिन दोस्तों होगा कुछ और ही क्योंकि यहां ऑड्स की बात करूं तो गाइस हमारी बियांका ब्लेयर चलिए -850 के ऊपर। वहीं दोस्तों बात करूं बेली की, बेली के ऑड्स उतने बेहतरीन नहीं है, बेली चली हुई है +500 के ऊपर। दैट मींस यहां दोस्तों आपको स्मैकडाउन की वुमन चैंपियनशिप जो है वो रिटेन होते हुए देखेगी। चलते हैं दोस्तों इसे नेक्स्ट मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है अपने हाथ में काफी ह्यूज है और ये होने जा रहा है दोस्तों नाइट का पहला ट्रिपल थ्रेट मैच। अब ये किन के मध्य होगा, ये होगा दोस्तों रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का के मध्य, जहां दोस्तों रिया रिप्ली की रॉ वुमन चैंपियनशिप दाव के ऊपर है। तो पहले दोस्तों ये जो मैच बना था ये बना था आस्का और रिया रिप्ली के बीच में। शार्लेट फ्लेयर को दोस्तों निष्कासित कर दिया गया था मंडे नाइट रॉ से, लेकिन उसके बाद दोस्तों उन्होंने कैसे कैसे दाव चले कोई नहीं जानता। सोनिया डेविल को उन्होंने अपना मित्र बना रखा है। इस मैच के अंदर दोस्तों तीनों ही महिलाएं काफी स्ट्रांग होकर उतर रही है क्योंकि आप जानते हैं तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है भी। जहां दोस्तों ऑड्स की बात कर लेते हैं, ऑड्स दोस्तों चले हुए हैं सबसे पहले बात करते हैं रिया के, रिया के चले दोस्तों -150 के ऊपर। शार्लेट फ्लेयर नंबर 2 पर चली हुई है, उनका 200 ऑड है +200 और नंबर 3 पर चली हुई है हमारी आस्का जो कि चले +400 के साथ। काफी बड़ा डिफरेंस है इन तीनों के मध्य, जिससे साफ होता है कि गाइस इस मैच के अंदर टाइटल रिटेन हो जाएंगे
और रिया रिप्ली इस मैच को जीतेगी। हालांकि दोस्तों इससे जुड़ी एक अनहोनी भी हमारे सामने निकल कर आ रही है। कई एक्सपर्ट्स की माने तो गाइस सोनिया डेविल जो है अपनी पावर्स का गलत उपयोग कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों एंगल भी देखने को मिल सकता है कि वहां शार्लेट फ्लेयर कुछ बड़ी चालाकी करे और गाइस वो इस मैच में जीत जाए। ये दोस्तों एक तरीके का सरप्राइज रह सकता है हम सब लोगों के लिए। एक ऐसे तरीके की अनहोनी है जो कि दोस्तों काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं कि सोनिया और शार्लेट फ्लेयर के मध्य कुछ पकड़ा है, जिससे एडम पियर्स काफी ज्यादा परेशान है। जहां दोस्तों ये बड़ी अनहोनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। चलते हैं अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। वही सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि दोस्तों कल की रेसलमेनिया बैकलैश का रहने वाला है, वो है दोस्तों हमारा WWE चैंपियनशिप का मैच, यानी कि लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो यहां दोस्तों एक तरीके का ट्रिपल थ्रेट रखा गया है, नाइट का दूसरा ट्रिपल थ्रेट रहेगा। जहां इससे पहले दोस्तों सेम टू सेम महिलाओं के यहां मैच होने वाला था लैशली और ड्रू के मध्य, ब्रॉन स्ट्रोमैन नंबर वन कंटेंडरशिप पाते हैं थैंक्स टू रेट्रीब्यूशन। यहां दोस्तों मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों तीनों सुपरस्टार काफी तगड़े हैं, काफी बड़े हैवी वेट है। जहां दोस्तों बात की जाए सबसे बड़े हैवी वेट की, वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन, जिनका ऑड चला हुआ है सबसे नीचे +607 वो चले हुए हैं। वहीं बात करूं ड्रू मैकइंटायर की, ड्रू मैकइंटायर चले हुए हैं नंबर दो पर, वो चले हैं +207 और माइनस में जो कि ज्यादा गिना जाता है वो चले हुए लैशली नंबर एक पर -300। माना दोस्तों इस मैच के अंदर भी आपको टाइटल रिटेन होते हुए देखने को मिलने वाला है। देखते हैं दोस्तों कैसे वहां लैशली रिटेन करते हैं, काफी बड़ी उनकी मुश्किल है। चलते हैं अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रेसलमेनिया बैकलैश 2020 का रहने वाला है, वो है स्विस सुपरमैन सिज़ारो वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो गाइस एक ऐसा मैच जिसका इंतजार मैं काफी समय से कर रहा था, क्योंकि मैं सिज़ारो और रोमन रेंस दोनों का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। सिज़ारो दोस्तों काफी ज्यादा टैलेंटेड सुपरस्टार और इस वक्त रोमन रेंस का समय चला हुआ है। इनकी राइवलरी बात कर लेता हूं, राइवलरी दोस्तों काफी सिंपल सी है। सिज़ारो दोस्तों अपॉर्चुनिटी मांगते हैं, उन्हें नहीं मिलती, डेनियल को मिलती है। डेनियल जो कि सिज़ारो के काफी अच्छे मित्र है, वो हार जाते हैं, वहां दोस्तों डेनियल को छोड़ना पड़ जाता है स्मैकडाउन को। काफी इमोशनल वो मोमेंट था, सिज़ारो ने डेनियल का पक्ष नहीं छोड़ा, वो हमेशा उन्हें डिफेंड करते आए, मैच यहां बना। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर फैमिली ड्रामा हुआ, जहां जिमी उसको रिटर्न होता है जो कि रोमन रेंस के साथ खड़े नहीं होते हैं। सिज़ारो मौके का लाभ उठाते हैं और दो हफ्ते तक रोमन की गंदी बजाते हैं। बात कर लेते हैं इस मैच की, इस मैच के अंदर दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जहां रोमन की बात करूं, रोमन रेंस का टाइटल रेन काफी लेंथी हो चुका है, काफी लंबा हो चुका है। सिज़ारो दोस्तों एक बेहतरीन चैलेंज उनके सामने रखते हैं। ऑड्स की बात की जाए, ऑड्स पर चले नंबर एक पर हमारे रोमन रेंस जो कि चले हैं -700। वहीं दोस्तों बात करूं हमारे अपने सिज़ारो की, तो सिज़ारो चले हुए हैं +400 के ऊपर। दैट मीन्स दोस्तों इसके अंदर टाइटल होने वाला है रिटेन, तो टाइटल दोस्तों यहाँ रिटेन हो जाएगा, रोमन रेंस चैंप के चैंप ही रहेंगे। अनहोनी की बात करूं, अनहोनी दोस्तों जो मुझे लगता है 101% देखने को मिलेगी, वो ये रहेगी कि जहां रोमन रेंस की गंदी पिटाई इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी सिज़ारो की तरफ से, वहां जे उसो भी कुछ ना कर पाएंगे और फिर आएंगे इक्वेशन में दोस्तों हमारे जिमी उसो दोस्तों आकर अपने भाई की मदद करने वाले हैं। और एंड ऑफ द नाइट दोस्तों हमें तीनों के तीनों एक साथ दिखाई देंगे और बनाएंगे अपना एक नया स्टेबल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा बेहतर। तो गाइस रेसलमेनिया बैकलैश जो होने वाली है काफी मजेदार होने वाली है। होप करते हैं इसके अंदर ब्रॉक लेसनर जैसा सुपरस्टार रिटर्न करे, जो कि काफी समय से रिटर्न नहीं किया है, और फील्ड भी अगर दिखाई देते हैं तो सोने पर सुहागा होगा। बट गाइस आज की वीडियो इतनी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।